आजकल जब मैं कोई खूबसूरत लड़की को देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि जो ये दो आँखें हैं, इतनी खूबसूरत सी आँखें हैं, पता नहीं इस मास्क के पीछे उनका चेहरा कैसा होगा। और जब ये महामारी नहीं थी तब भी मैं ये सोचता था कि वो रिक्शे पे जो लड़की जा रही है या मेरे बगल में जो लड़की बैठी है कोई भीड़ भाड़ वाले जगह पे, बाजार में, रेस्टोरेंट में, सिनेमा घर में, लाइब्रेरी में या कहीं भी, जब मेरे आसपास कोई लड़की बैठती थी तो मैं मन में यही सोचता था क्या होगा कि अगर हम दोनों दोस्ती कर पाएं, हम दोनों बात कर पाएं। ये पहली नज़र का प्यार है, ये प्राकृतिक और सहज उठा हुआ विचार है जिसके फलस्वरूप आप ओपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यही आगे चलकर प्यार में बदलता है। प्यार पे यूं तो बहुत कुछ कहा गया है, किताबें रची गई हैं, गीत लिखे गए हैं, पोइट्री हुआ है, सिनेमा बना है और होता ही रहा है, पता नहीं कब से। आज मैं हिंदी साहित्य से 6 प्रेम कहानियों की बात करूंगा जो मेरे पसंद के हैं, जिन्हें मैं बार बार पढ़ता हूं। हर बार जब भी मैं इन्हें पढ़ता हूं मुझे नए नए अर्थ सूझते हैं, नए संदर्भ सूझते हैं। हर बार एक बेचैनी सी रह जाती है इन कहानियों को पढ़कर। एक गाना है ना, पूरा होकर खत्म हुआ सब, जो है आधा वही जिंदा है। तो एक अधूरापन, कहानियों में जो अधूरापन होता है वही हमें बार बार अपनी ओर खींचता है। पात्रों के जिंदगी में जो अधूरापन है वो हमें बार बार अपनी ओर खींचता है। और यूं भी अगर कहानी, कोई भी कहानी अमर या कालजयी तभी होती है जब उसमें ये सब सारे गुण हों जो आपको बार बार पढ़ने को उकसाए। बार बार आप पढ़ने जाओ तो लगता है कुछ रह गया है, या जब भी आप उसे पढ़ो तो आपको एक नया अर्थ, एक नई मीनिंग और एक नया कॉन्टेक्स्ट समझ आता है। राम सजीवन की प्रेम कहानी उदय प्रकाश ने लिखी है, बहुत ही उम्दा कहानी है। ना केवल इसे प्रेम कहानी के तौर पे देखा जाए बल्कि इसमें सामाजिक, नैतिक और भी तमाम तरह की चीजों का उल्लेख है। राम सजीवन जो ग्रामीण परिवेश से है, गांव का लड़का है, जेएनयू पढ़ने आता है। यहाँ जब वो शहरी लोगों को इतना खर्च करता हुआ देखता है तो सोचता है कि ये शहरी लोग कितना पैसा बर्बाद करते हैं, इतने पैसे में कोई गरीब खा लेगा, किसी गरीब के घर चूल्हा जलेगा। तो इस तरह के हैं अपने राम सजीवन बाबू। उनको अपने कॉलेज में ही, अपने छात्रावास में, अपने हॉस्टल के सामने में एक लड़की रहने आती है, कैम्ब्रिज से पढ़ी हुई अनीता चांदीवाला, उनसे प्रेम हो जाता है। और ये एक तरफा प्रेम है। एक तरफा प्रेम, जैसा आपको जब पता है कि एक तरफा प्रेम कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है जिसमें आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके प्यार में ना हो। तो बहरहाल राम सजीवन उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो जाते हैं कि एक दिन वो सोचते हैं क्यों ना अपने अपनी जो भावनाएं हैं अनीता के लिए वो एक लेटर में लिखा जाए। और वो लेटर लिखते हैं और ये लेटर मिल जाता है अनीता को, और अनीता इसकी शिकायत कॉलेज में कर देती है। और क्या होता है, राम सजीवन को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। 1 साल तक राम सजीवन दूर रहते हैं अनीता से, उन्हीं यादों में, एक तरफे प्यार में। और वो वापस आते हैं जेएनयू, तब वो आंदोलन से जुड़ जाते हैं, कविताएं लिखते हैं, वो कविताएं लिखते रहे हैं। और अंत में दिखाया गया है राम सजीवन कैसे टूट जाता है। तो एक पोस्टर बॉय के तौर पे राम सजीवन हमें याद रहते हैं, जिसमें एक तरफे प्रेम में जो बेचैनी है रहती है, एक तरफे प्रेम की जो बेचैनियां हैं, जो उदासियां हैं, एक तरफा प्रेम किस कदर आपको बेकल, बेचैन कर देता है, इसको बखूबी दर्शाया है उदय प्रकाश ने इस कहानी को। राम सजीवन की प्रेम कहानी बढ़ते हुए बाजारीकरण, उपभोक्तावाद पे भी अपनी राय रखता है। तो एक बेहद खास कहानी है। राम सजीवन की प्रेम कहानी पे नाटक भी हुआ है, नाटक बहुत पॉपुलर है। कई शहरों में नाटक के तौर पे राम सजीवन की प्रेम कहानी के शोज हुए हैं और लोगों को पसंद है राम सजीवन की प्रेम कहानी। ये
ये कहानी है लक्ष्मी नाम की एक लड़की जो लाला रूप राम की बेटी है। रूपा राम को ऐसा लगता है कि अगर वो लक्ष्मी को अपने घर में कैद रखे तो शायद उसकी जो संपदा है वो ऐसी ही बनी रहेगी। पेट्याकी पे हमारे यहाँ बहस होती रही है, एक अजीब से हालात जो कि अब आपको हास्यास्पद लग सकता है, जैसे माहौल का चित्रण है। लक्ष्मी लाला रूपाराम की एक बेटी है और उनके घर किरायेदार है एक पढ़ने लिखने वाला लड़का गोविंद। गोविंद हमेशा लक्ष्मी के बारे में सुना है, उसकी शक्लो सूरत कैसी है, उसकी उम्र कितनी है, वो दिखती कैसी है, गोविंद को कुछ भी नहीं पता। लेकिन गोविंद को हमेशा यह एहसास होता है कि लक्ष्मी शायद उसे आवाज दे रही है कि तुम मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ कैद में हूं। और लक्ष्मी के घर में एक मुंशी जी हैं राम स्वरूप, उससे कभी कभी लक्ष्मी को लेकर गोविंद की बातचीत हो जाती है, अक्सर किताबों का आदान प्रदान होता है और गोविंद हमेशा उन किताबों के पन्नों को टटोलता है कि शायद उसके लिए कोई मैसेज छोड़ा होगा लक्ष्मी ने। उसे पूरा यकीन है कि वो एक सेवियर है, वो एक हीरो है जो कि उसे उसके पिता के चंगुल से, इन जालिमों से लक्ष्मी को भगाकर ले जाएगा और लक्ष्मी उसकी प्रेमिका है, लक्ष्मी उससे प्रेम करती है। तो ये कहानी हम गोविंद के नजरिए से देखते हैं, नजरिए से समझते हैं लक्ष्मी को और सारे परिवेश को। अंत में रहस्योद्घाटन होता है, यानी कि सीक्रेट खुलता है, जहां पे एक चौकीदार लक्ष्मी की जो रियल स्थिति है, रियल सिचुएशन है, उससे अवगत कराता है, जहां पे वो बताता है कि उसका पिता लाला रूपराम कितना सनकी है और लक्ष्मी कैसे उस कैद में है। दिल है कि मानता नहीं, रोमन हॉलिडे नामक एक हॉलीवुड फिल्म है। इस तरह के तमाम कहानियों को हम एक श्रेणी में बांट सकते हैं जिसको डैम्सल इन डिस्ट्रेस कहते हैं, जहां पे एक राजकुमारी कैद रहती है और उसे बचा के ले जाता है कोई बाहर वाला नौजवान। तो ये एक फेरी टेल जैसी बात है, इसमें एक फोक टेल जैसी बात है इस कहानी में, जो कि आपको अंत तक बांधे रखती है और साथ ही आप गोविंद के मन स्थिति को, उसकी मेंटालिटी को, उसके एटीट्यूड को, उसके जो इनर टर्मोइल है उसको महसूस कर सकते हो। तो एक बहुत ही बढ़िया उम्दा कहानी है, एक तरफे प्रेम कहानी। गोविंद आपको निश्चित तौर पे याद रहेगा, लक्ष्मी की कैद को आप महसूस करेंगे। इसे लिखा है राजेंद्र यादव, जो कि हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक थे, जिनका हिंदी साहित्य में बहुत ही ऊंचा नाम है, और ये कहानी मेरे पसंदीदा प्रेम कहानियों में से एक है।